जैद भाई वापस आ गया। अरे एक्ने मैन इज बैक भाई, ये देख रहे हो तुम 1 मिलियन व्यूज होने वाले इस पे, लास्ट ब्लॉग पे 1 मिलियन व्यूज होने वाले। भाई केएसआई ने मैसेज किया था भाई उस ब्लॉग के बारे में मुझे। टॉप 5 ब्रा मूवमेंट्स इन दिल्ली मेट्रो। नंबर 5 भाई, इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है लोगों में। लिटरली राइट में उसके बंदा बैठा है, इधर भी कोई प्रोबेबली अंकल बैठे हुए और ये दोनों फिर भी लगे पड़े हुए। दिस इज सो डिस्गस्टिंग। वायर्ड ईयरफोन्स। नंबर अरे यार मैं बोल भी नहीं सकता, मैंने खुद। नंबर 3 क्या कर रहे अबे बहन, ये गलत है मादरचोद। भाई उसने बोला भी ऐसे, रुक जा करने दे, इमेजिन वो बीच में उसकी तरफ ही मुड़ जाए। नंबर 2 भाई इनको देख नहीं रहा क्या, साइड में कोई बंदा कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा है। दे गॉट यू इन 4K मदरफकर। और वो तो मेट्रो से भी सस्ती है, इसमें म्यूजिक नहीं डालना चाहिए था, एकदम थूक की आवाज आती ना। दिल्ली मेट्रो बेटर देन पटना। अबे पटना पे तो सिर्फ दिखाया था, दिल्ली मेट्रो में हो रहा है। सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा। भाई अगर सही में ऐसा हो गया ना, अगर इस बंदे की सटक गई ना, पूरे एनवायरनमेंट की गांड मर जाएगी, पूरा आर्टिक पिघल जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। और ये मत सोचना कि इंडिया पर अफेक्ट नहीं आएगा, तुमने जो न्यूक्लियर विंटर पढ़ी है ना स्कूल में, उसका लाइव एग्जांपल होगा ये। पे ऑलरेडी एक असैसिनेशन अटेम्प्ट हो चुका है, उसके घर पे अटैक होने का क्यों वेट कर रहे थे ये? नाउ विल टेक एक्शन। मादरचोद अभी तक क्या कंचे खेल रहे थे क्या? कोरियन बॉय बिहारी एक्सेंट क्या? ऐसा लग रहा है पूरा मरीन ड्राइव जो घूम रहे हो बहुत बदल गया है। क्या क्या चेंजेस, मतलब ये डब है क्या? पटना का कितने सालों बाद आया? 3 साल हो गया अब लगता है। 3 साल बाद। अबे कियोंग यादव, इफ ही इज पुटिंग ऑन एन एक्सेंट, दैट्स द बेस्ट एक्सेंट आई हैव एवर सीन। और ये जो ब्रिज बना है एकदम भयंकर बना है, एकदम लग रहा है जैसे कि हाँ न्यूयॉर्क आ गए। न्यूयॉर्क भाई, न्यूयॉर्क। एक सेकेंड, ठीक है भाई, आई सी इट। ग्रुप फोटो इन 2023। भाई अगर तुम सोच रहे हो ना कि 1924 की फोटो है, दे मस्ट बी डेड, वन ऑफ देम इज डेड इन द फोटो। ये जो लड़की है ना, ये क्लास फोटो के एक दिन पहले मर गई थी और उसकी डेड बॉडी को प्रॉप करके रख रखा है क्लास फोटो के लिए। व्हाट द फक कंस्पिरेसी ये है कि ये एक दिन पहले मर गई थी और इसको टिका के रख रखा है, ये जो पीछे वुडन दीवार है ना, इस पे इसका सर टिका के रख रखा है, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो उसका सर पीछे लुढ़क जाएगा। दैट्स व्हाट द कंस्पिरेसी सेज। बट This is false. This is fake. This story is fake. Completely fake है ये. ये same photo है ना Hitler और Eva Braun वाली conspiracy के लिए भी use किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि ये दोनों एक ही school में गए। ये पूरा fake है। इसका एक article है, मैंने उसी time search कर लिया था ये. ये रहा. ये पूरा article basically explain करता है, किसी एक Australian school की photo है और कोई भी evidence नहीं है इसका कि ये बंदी एक दिन पहले मरी थी। और जो ये बोल रहे थे ना कि इसको wooden plank पे टिका के रख रखा है, भाई ये जो टीचर खड़ी है ना इसकी, ये इसके थोड़े से पीछे खड़ी भी है, इसका मतलब इसके और दीवार के बीच में थोड़ा स्पेस है, तो ये इसकी बॉडी कहीं पे टिकी हुई हो ही नहीं सकती, ये खड़ी भी है ये। What the hell, I thought it was real. भाई मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कंस्पिरेसी थ्योरीज है ना, सारी की सारी मिथ होती है until they are proven otherwise. तुम्हें उसको wrong प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हारे ऊपर है ही नहीं burden of proof. Burden of proof उस पर है जिसने ही कंस्पिरेसी बनाई है, उसको ये पहले right प्रूफ करना होता है और उसने नहीं किया, इसमें कोई एविडेंस नहीं है इस थ्योरी का। 12-year-old me the day I discovered 2 girls 1, that is so true. भाई मुझे अभी तक फ्लेवर याद है। बिखरने का मुझको शौक है बड़ा, मिटेगा मुझको तू। Yeah, that kid is not a kid anymore. ये अब कुछ हफ्तों तक कुछ नहीं खाने वाला, because that's what happened to me. बचपन का ट्रॉमा भाई, लाइफ लॉन्ग PTSD. Apparently it has been confirmed कि वो आइसक्रीम थी। अगर वो सही में आइसक्रीम थी ना, तो मुझे आज के बाद आइसक्रीम को मुंह नहीं लगाना। कॉन्टेक्स्ट, अरे भाई कॉन्टेक्स्ट, इसमें दो लड़कियां एक चीज खा रही है शेयर करके। सीक्वल्स, हाँ भाई अब इसके और भी सीक्वल प्रीक्वल्स है। 1 man 1 screwdriver, 1 man 1 jar, अगर तुम सोच रहे हो सर्च करने का मत करना, डोंट। मैंने खुद ने नहीं देखा, मैंने सिर्फ उसकी है ना टेल्स पढ़ी है। आई नेवर इवन बॉदर्ड टू लुक इट अप। कभी कभी लॉजिकल रीजनिंग की ज्यादा जरूरत होती है क्यूरियोसिटी से। अगर तुम्हें जाकर है ना अपनी पूरी जिंदगी स्कार करनी है, तो हाँ देख लो। जैद कैन यू पेग मी? श्योर। क्या? The world would be a better place if more women were in charge. My honest reaction to that. Now
ना ब्रो ना, इंदिरा गांधी हैड फकिंग बॉल्स टू स्टैंड अप अगेंस्ट यूएस ब्रो। लाइक जहां तक मैंने पढ़ा है, हाँ उसके फ्लॉस थे, बट लाइक भाई यूएस के सामने खड़े होने की औकात थी भाई। राहुल गांधी ब्रो, इट इज सो फनी, मेरा एजेंसी से भी कॉल आया था थोड़े दिन पहले कि राहुल गांधी इज लुकिंग फॉर सम यूट्यूबर्स टू कोलैब विद। मेरे एजेंसी से मेरे को कॉल आया था कि आपके साथ वो एक वीडियो बनाना चाहता है। मुझे लगा ये झूठ है, सही में कुछ कुछ यूट्यूबर्स के पास जा रहा है। मैं पहले बता रहा हूँ, मैंने रिजेक्ट कर दिया, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट इज क्रेजी। एल, अबे एल जैद क्या इसमें भाई, मुझे नहीं बनाना अपना चैनल पॉलिटिकल। गर्ल्स, हे बेस्टी, हाय, शी इज माय बेस्ट फ्रेंड बट आई हैव ट्रस्ट इश्यूज विद हर। बॉयज, ये वही टाइम पीरियड है क्या जब कोहली को नाम के लिए कैप्टन बना दिया था बट सारे डिसीजन धोनी ले रहा था। और उसके बाद शायद ये आउट हो भी गया था, उसके बाद ये शायद आउट हो भी गया था। ब्रो, दिस वाज द पीक एरा ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम भाई। शिखर धवन, रोहित शर्मा ओपनर, वन डाउन विराट कोहली, टू डाउन सुरेश रैना एंड उसके बाद धोनी, दैट वाज द पीक। आंटी आप यही सिखा रहे हो अपने बच्चे को, बड़ा हो के आपको गाली देगा फिर क्या करेगा, करो कोई डाल दे तेरे को व्यूज आएगा भाई। एल किड, एल मॉम, एल फैमिली, एल डैड, हिज एल इज एन एल जे, उसने इसको पैदा किया, वो इनकरेज कर रहा है, डाल दे व्यूज आएगा। अबे तेरे बच्चे को बुली करेगा पूरा इंटरनेट। भाई जैसे इसने लौड़े बोला ना, ये पुणे का लग रहा है, लौड़ा ऐसे पुणे वाले ही बोलते हैं, लौड़ा। नॉर्थ इंडिया में कोई भी ऐसा नहीं बोलता, वो नॉर्मल तरीके से बोलते हैं लौड़ा। जैस किड, भाई मैं जैस किड, भाई मेरी साला बोलने पर कुटाई हो जाती थी, मुझे सातवीं तक यही लगता था कि साला गाली है। मेरा यही था कि मैं गाली नहीं बकता और मैं साला भी नहीं बोलता, मेरा होराइजन सिर्फ कुत्ते तक सीमित था। और वो भी एक बार मैंने अपने दोस्त को कुत्ते का बच्चा बोल दिया था, वो नाराज हो गया था मेरे से, उसको फिर 5 रुपए की पैटीज खिलानी पड़ी थी मेरे को मनाने के लिए। टर्निंग पॉइंट था जब मैं मुरादाबाद में गया था, मेरी मम्मी मुरादाबाद से, जब मैं मुरादाबाद में गया था ना, वहां पर मेरे को किसी ने बोला था तेरी माँ की चूत पे बिल्ली का बाल, उसके बाद मेरा माइंड फक हो गया था कि गाली कुछ भी हो सकती है, तुम्हें बस फीमेल जेनिटल के अंदर ऑब्जेक्ट डालना है। ऑब्जेक्ट मतलब किसी फीमेल जेनिटल के साथ ऑब्जेक्ट बोलना, एज इन तेरी माँ की चूत में निविया का डिओड्रेंट, ऐसी होती है सारी गालियां। सोनम कपूर, एमिली, ब्रो मुझे लगा था मैं यू, ये सोनम कपूर बिल्कुल एमिली वेलेस में मिलती है भाई, तुम इसकी डिसरिस्पेक्ट मत करो यार, इतनी बढ़िया एक्ट्रेस के साथ क्यों कंपेयर कर रहे हो सोनम कपूर को। और ये अनन्या पांडे तो कौन ही है, हु इज अनन्या पांडे, ये तो नाम पहली बार सुन रहा हूँ ना ब्रो, ये नहीं मिलती एमिली वेलेस में। कौन सी बुक है ये, फ्री के पैसे क्यों फेंक रहा है बाबूजी? Bro, this is only fans in real life. Paisa fake bobe de. North Indians when they visit South India for 1 minute. I'm a 35-year-old white man. भाई दिस इज सो ट्रू, ये है ना नॉर्थ, मतलब ये क्या बोल रहा हूँ, मैं खुद नॉर्थ इंडियन हूँ, नॉर्थ इंडियन से ना तुम साउथ इंडियंस को इतनी उड़ाते हो ना काला काला बोल के। भाई तुम कितने भी काले गोरे हो, अगर तुम इंडिया से हो तुम ब्राउन ही माने जाओगे, तुम कश्मीर में किसी गुलाबी के अंदर से पेल सेब की तरह निकल के आ जाओ तुम फिर भी ब्राउन ही माने जाओगे, तुम्हें फिर भी रेसिज्म ही मिलेगा अमेरिका में। हम सब ब्राउन है, सबके सब ब्राउन है, कुछ मैटर नहीं करता कौन कितना फेयर है कौन कितना ब्लैक है, हम सब ब्राउन ही क्लासिफाइड होते हैं। विच साइड आर यू ऑन, this is a banger. Bhai kya ho raha, this song is winning, I love this song. Backtracking on these few years trying to figure out what I do to make it go back. Girl left me, my whole life came crashing and I'm so I mean I have to go with Akon bro. Akon gave us chamak chalo. दोनों ही सॉन्ग बढ़िया है बट Akon gave us chamak chalo. मोजा फट रहा है हाँ भाई, डोंट टेल मी कि मैं ही हूँ ऐसा जिसका एक 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 फिंगर फट जाता है, ये वाला नहीं फट रहा सिर्फ ये वाला फट रहा है। टिप्स फॉर हैंड, क्या टिप्स फॉर हैंड जॉब, मसाज देयर थाइस, ल्यूब इट, यू डोंट नीड ल्यूब, एम्ब्रेस द ट्रेडिशन, यूज स्पिट, थूक यूज करो, यूज बॉय, इसको लगता है 99% लोगों का दो हाथ तक जाएगा। डोंट फॉरगेट द बॉल्स, नो प्लीज फॉरगेट द बॉल्स, मुझे नहीं चाहिए टेस्टिकुलर टॉर्शन, वो जो साइमन को हुआ था। अभी भी देख रहा है, बेट कर दिया भैंस, दहेज देते वक्त
डिवोर्स के बाद पति की आधी प्रॉपर्टी लेते हो भाई, बट डिवोर्स होता का है हमारी कंट्री में? इट्स सो फकिंग रेयर। आई इमेजिन हमारी वाली जनरेशन से प्रोबेबली नॉर्मलाइज हो जाएगा, बट इससे पहले वाली जो जनरेशन है ना उसमें फियर ऑफ सोसाइटी इतना ज्यादा है, लड़की को है ना हस्बैंड मार भी रहा होगा ना तब भी वो डिवोर्स नहीं करती। अबे डिवोर्स रेट हमारा 1% है, दहेज रेट प्रोबेबली 50% कॉमन है। फिर वही संभोग विम्भोग की बात है भाई, मुझे नहीं सुनना इस बंदे का नाम, मुझे इसका लड़ याद हो चुका है। नॉट टॉकिंग अबाउट रॉबर्ट पैटिनसन, आई विश, आई एम टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट इंडियन। नेक्स्ट इंडियन कौन है? इंडिया का जॉनी सिंस। ज्यादा कॉन्टेक्स्ट नहीं चाहिए, सर्च कर लेना, वैसे भी पेड है इसका सारा माल, आई मीन कॉन्टेंट। ओ आई रिमेम्बर दिस, ये वही है ना 2012-13 का इंडिया ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका की कोई सीरीज थी जिसमें बिली बाउडन पे भड़क गया था। अबे भोसड़ी के सुन, बीच रास्ते पे कपड़े निकाल के ना तेरी गांड में हेलीकॉप्टर शॉट मारूंगा। डैनी जस्ट ब्लॉक दैट ब्रो, दिस जर्सी इज सो फायर, लाइक तुम एक बार देखो ये जर्सी इंडिया की, ये एरा सबसे बढ़िया था। और अभी अभी की जर्सी क्या है अपनी, अभी की इंडियन टीम जर्सी क्या है ब्रो? दिस इज आवर करंट जर्सी, डार्क ब्लू क्यों कर दिया ये इतनी बढ़िया थी ना, ये स्काई ब्लू वाली, सहारा वाली। एवरेज गर्ल फ्रॉम यूपी बिहार, जाट बॉयज फ्रॉम So cute, at दे दो please, right वाले का। भाई किसी जाट के सामने मत बोल देना, जिंदा नहीं बचेगा। चल अब कपड़े धो, नाइस अब कपड़े धो दे। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, तुम लोगों को लगता है लड़कियां सिर्फ कप। भाई मुझे लगा ये कमोड से निकाल रही है। भाई लेकिन कपड़े और डिशेस तो मैं भी धोता हूँ, तो क्या मैं लड़की हूँ? तो रीजन हो सकता है लो रेट्स ऑफ इनफिडेलिटी। अमेरिकन और यूरोपियंस ऑन एन एवरेज अपने लाइफ में 10 से ज्यादा सेक्सुअल पार्टनर्स बनाते हैं, वहीं इंडियंस इस इंडेक्स में बॉटम पर है। डैम वी रियली आर गेटिंग नो पुसी, वी आर नॉट फकिंग। और एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग लेस सेक्सुअल पार्टनर्स मींस हैप्पी मैरिज इवेंचुअली। अबे लेकिन उसका कोरिलेशन क्या है? यू कैन हैव सेक्सुअल पार्टनर्स इन योर लाइफ एंड स्टिल बी लॉयल एट द एंड, मतलब ड्यूरिंग रिलेशनशिप। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग लेस सेक्सुअल पार्टनर्स मींस हैप्पी मैरिज इवेंचुअली, बेसिकली मोर लॉयल्टी टुवर्ड्स योर वाइफ। बट लॉयल्टी के अलावा इंडियन मेन का इमोशनल होना भी उनका इस सिलेक्शन रेस में एक स्ट्रॉन्ग साइड है, ऐसा कहना है सीनियर रशियन फेमिनिस्ट। ऑफ कोर्स शी इज, मुझे पता है रशियन की कोई है नोवा का। उन्होंने तो इंडियन मेल्स को रशियन गर्ल्स का बेस्ट फिट हस्बैंड तक डिक्लेयर कर। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, इंडिया में जो मोस्टली तुम रशियन रशियन कहते हो ना, वो रशियन है नहीं, वो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज की है, यूक्रेन वगैरह की, तुम्हारा कट रहा है ब्रो। दिस कोलैबोरेशन मेड बी वेट, If this is what I am thinking. In Kanpur, I merely rock, gutka in my sock, running from the op. Daily routine of a Delhi girl. भाई मैंने देखा ये क्या कर रहे हैं, ये कौन से एड्स कर रहा है? भाई इसके बच्चों को लोग बुली नहीं करेंगे स्कूल में, इसकी खुद की बेटी है। ओके ओके, आई थिंक वी आर डन विद व्हाट। भाई मेरे को किसी ने बोला था रिएक्ट टू नॉर्थ ईस्टर्न फूड, आई इमेजिन बढ़िया ही होगा, इंडिया का तो कश्मीर से कन्याकुमारी वेस्ट टू ईस्ट सब बढ़िया ही होता है। दिस इज इंडियन फूड, ईटिंग नॉर्थ इंडियन फूड, क्या ये क्लिकबेट है ना, कीड़े कौन खा रहा है? In my life. There's this white bubbly outer layer. भाई अगर ये सही में बग है ना मैं वीडियो बंद कर दूंगा। It's alive bro. अबे वो दिख रहा है मुझे। Damn tasty. Peace in the world. हाँ ये तो बढ़िया है। All in the north, you'll find classics like tandoori chicken. Tandoori chicken W. Dosa W. Idli W. Indian food can also include. ये क्या है? ये क्या है? Though you won't find it represented in any international Indian restaurants, food like rat soup, curry made from guinea pigs, or even wasp curry. Listen, I am not trying to be disrespectful. ठीक है ना? मेरे को बस बहुत बुरा वाला insectophobia है. अगर option आया ना कि तुम्हें 5 मिनट के लिए अपने मुंह में cock डालनी है, cockroach डालनी है, I am giving a blowjob. I am giving the sloppy toppy 9000. मैं अंदर से एक लड़की हूँ. Wait, bro. भाई आई जस्ट रियलाइज्ड मेरी पैंट की ज़िप अभी खुली हुई थी, पता नहीं मैंने स्ट्रीम पे क्यों दिखाया वो। बट आल्सो सप्लीमेंटरी आई इमेजिन बढ़िया ही होगा इंडिया का तो। यस डक मीट, यस आई मीन डक तो इतना वो नहीं है, बाहर के भी खाते हैं, बट बग्स इज क्रेजी। अबे बेंटेन का वो नहीं था दादा, वो जो भी था वो उसके लिए बग्स की वो बनाता था नूडल्स, मुझे लगता था वो सिर्फ फिक्शन है, हमारे देश में ही हो रही है। तो भाई कमेंट्स क्या है इस पे, आई एम सो हैप्पी दे आर फाइनली कवरिंग नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न फूड, टॉट बाय न्यू करने दो, देन पीपल वंडर हाउ कोविड स्टार्टेड। भाई इसके सामने ना मुंबई का फूड मुझे डब्लू लग रहा है। व्हाट द फक इज दैट,
ये कौन खा रहा है? ना ग्रास हॉपर तो बिल्कुल ही नहीं भाई, आई हेट ग्रास हॉपर, मेरा जिंदगी हराम कर रखी है ऐसे एक कीड़े ने। फील दिस इज अ होल वीक ऑफ ब्रेकफास्ट ऑप्शन। सी दिस लुक्स गुड, ये तो इतना बढ़िया लग रहा है, एकदम स्वादिष्ट लग रहा है। वेयर डिड वी गो रॉन्ग? सीधा यहाँ से कॉकरोच पे कैसे चले गए? वाटर बीटल, सम वाटर बीटल्स, एंट्स एज वेल, एंट्स या रेड, चींटियां खा रहे हैं। अब वे चींटियों में तो पेट भी नहीं भरेगा। फुल ऑफ दीस थिंग्स। आ नहीं नहीं, बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री व्हेन दे गो फिश। हाथ क्यों डाल रहा है? एवरीथिंग वी आर ईटिंग टुडे इंडियन फूड। लाइक ऐसे बोल रहा है ये तुम्हारा खाना है, देखो ये तुम्हारा खाना है, तुम खाते हो ये लोग। डोंट इवन ईट गोट अ डिश एवरीवन एट द टेबल सीम्स टू हैव देयर। आई थिंक मेरा हो गया भाई, मेरा हो गया। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, भाई वो तो देख लिया था ना, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाला, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैकडॉनल्ड्स। भाई ये तो बट पॉइंटलेस होगा ना, चाहे मैकडी पाकिस्तान को चाहे इंडिया को, है तो वो अमेरिकन कंपनी ना। भाई मैंने लास्ट वीडियो में बोल दिया था आई कांट बिलीव दिस इज पाकिस्तान, भाई मजाक कर रहा था ब्रो, मजाक कर रहा था, मुझे पता है इस्लामाबाद अच्छा खासा डेवलप्ड है। राइट नेक्स्ट टू हर। नाउ लास्ट टाइम आई वेंट टू, ये कौन सा दिल्ली का मैकडी है भाई, ये क्या हो रहा है ऊपर? अराउंड द वर्ल्ड दे हैव डिफरेंट फूड। मैग्निफिका, दैट साउंड्स सो मच लाइक समथिंग एल्स। McDonald's in English. It says it in a local. भाई ये मुंबई में भी होता है, अगर तुम मुंबई के मैकडी देखोगे ना, सब में हिंदी में लिखा मिलेगा तुम्हें। Like जब मैं पहली बार मुंबई आया था ना, मुझे सरप्राइजिंग लगा था, यहाँ पे हर रेस्टोरेंट का नेम हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लिखा रहता है। दिल्ली में ऐसा नहीं होता, जयपुर में भी ऐसा नहीं होता, नॉर्थ इंडिया में ऐसा नहीं होता, वो सिर्फ इंग्लिश में ही लिखते हैं। अबे वो मैक्सिकन बॉर्डर थो। Oh, this place is lavish. So, भाई इसने पाकिस्तान का बेस्ट मैकडॉनल्ड्स उठाया है, ये क्या है? This looks fire. Two things I've not seen before. First, a chicken mac and a McRabia. I'm gonna get both of those. Coke Zero, because I'm on a diet. मैकडी का आधा मेन्यू ऑर्डर करके बोल रहा है he's on a diet. तू भाई उससे डबल खाता है। चुप हो जा वेदांत भैंड के लोड़े। Mayo, cheese. बहुत घटिया लग रहा है। भाई मेरे छोटे भाई की बियर्ड आ गई, तेरी कब आएगी? But now we're going to go next door to India. We're going to try McDonald's there. Nah bro, this guy has violated India. ये क्या दिल्ली का सबसे बेकार McDonald's लिया है क्या? ये क्या बर्फ खाने के नीचे बना हुआ है मैकडी? ये कौन सा मैकडी उठाया इसने? कहां पर है ऐसा मैकडी? अदर किट कनॉट प्लेस नहीं जा सकता था, साउथ दिल्ली में कोई मैकडी नहीं जा सकता था। Bro, this is कनॉट प्लेस मैकडी only. Nah, हो ही नहीं सकता। ये कनॉट प्लेस का मैकडी है? मुझे नहीं पता था सीपी का मैकडी इतना बेकार है। पाकिस्तान्स मैकडी लुक्ड अमेजिंग, द सेल्फ ऑर्डर पार्ट वाज सुपर। अबे वो इंडिया में भी है, मेरे घर के पास जो है ना मैकडी, उसमें है ये सेल्फ ऑर्डरिंग पार्ट। रुको मैं दिखाता हूं, उसमें है ये क्या है भोसड़ी के, ये क्या है भाई? उसने इंडिया का सबसे वर्स्ट मैकडॉनल्ड्स उठाया है वीडियो के लिए। ये डोसा वाला बर्गर बिल्कुल बेकार है, बात हो गया। सबसे बेस्ट बर्गर अभी तक का मैकडॉनल्ड्स का वही है जो ओजी है, मैं कालू टिक्की। India does vegetarian food better than any other country in the that world. That is true. India का vegetarian food best है. छोले भटूरे, पनीर बटर मसाला, शाही पनीर, बटर नान, डोसा, इडली, everything is goated. Anyways, I hope you liked the video. मैं अपनी tier list update करूँगा. Subway को goated में डाला था, Subway goated है. Nando's को goated में डाला था, Nando's still goated. Domino's still goated. McD को मैं probably नीचे कर दूँगा. मुंबई के McD के हिसाब से बात कर रहा हूँ. यहाँ का मेन्यू नॉर्थ इंडिया वाले मेन्यू से अलग है. They don't have my favorite burger. तो McD probably नीचे जाएगा. Burger King थोड़ा सा ऊपर जाएगा. KFC नीचे जाएगा थोड़ा सा. यहाँ का जो KFC है बहुत 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 बेकार है. Starbucks, I am gonna get hate, but I think Starbucks को मैं थोड़ा ऊपर करूँगा. ये बहुत expensive है, but I think इनकी food की quality बढ़िया होती है. Subway का order, अबे यार तुम है ना मेरा address leak करवाओगे motherfucker. मैं बताता हूँ तुम्हें क्या लेना है. तुम्हें जाना है टूना पे, फिर जाना है तुम्हें सेलेक्ट करना है तुम्हें 12 इंच चाहिए मुँह में या 6 इंच, 20 इंच चाहिए. ब्रेड में सेलेक्ट करना है तुम्हें पार्मेसान ब्रेड, फिर उसके बाद तुम्हें जाना है टोस्टेड ब्रेड विद मोज़रेला चीज़ पे. ये 500 क्यों दिखा रहा है भोसड़ी के? अब ठीक है. फिर उसके बाद तुम्हें सारी 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 वेजिटेबल सेलेक्ट करनी है. सॉसेस में सेलेक्ट करना तुम चिपोतले सॉस, बारबेक्यू सॉस, तंदूरी में. वो हो गया तुम्हारा ऑर्डर सॉर्टेड.